नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज हम बात करेंगे, आपकी कुंडली में अगर केतु खराब स्थिति में है तो वो आपके जीवन में समस्या उत्पन्न करेगा, तो गणेश जी की कृपा से कैसे आप केतु की समस्या से निजात पा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आपकी नौकरी में बार बार समस्याएं आती हैं या नौकरी में बार बार उतार चढ़ाव रहता है, तो शनिवार को निर्धन व्यक्ति को सिक्कों का दान करिएगा, क्वाइंस का दान करिएगा। हर शनिवार को गरीबों में सिक्कों का दान करेंगे तो नौकरी के उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। और चलिए अब बात करेंगे 19 नवंबर 2023 के पंचांग की। दिनांक 19 नवंबर 2023, दिन रविवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः काल 7:23 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, रात के 10:48 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले हम समझेंगे कि केतु ग्रह आखिर है क्या और ज्योतिष में इसका महत्व क्या है। बिल्कुल, देखिए, केतु को भी ज्योतिष में एक छाया ग्रह माना जाता है। ज्योतिष के दो ग्रह मुख्यतः छाया ग्रह माने जाते हैं, राहु और केतु। तो केतु भी ज्योतिष में एक छाया ग्रह है। इसकी परिकल्पना सूर्य और चंद्रमा के आपसी संबंधों से की गई है, यानी सूर्य और चंद्रमा के पथ पर राहु और केतु का निर्माण होता है। केतु अगर कुंडली में अकेला बैठा हो तो इसका स्वभाव मंगल की तरह हो जाता है, और ये जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसकी शक्तियों में वृद्धि कर देता है। गूढ़ ज्ञान, अध्यात्म, मोक्ष, तंत्र मंत्र, आकस्मिक परिणाम, हिंसा और विस्फोट, इनसे केतु का सीधा संबंध है। व्यक्ति के जीवन के ऐसे रहस्य जिनका संबंध पूर्व जन्म से है, ऐसे रहस्यों को केतु खोल सकता है। अगर किसी व्यक्ति की संपूर्ण क्षमताओं का प्रयोग करना है, किसी व्यक्ति की शक्ति का पूर्ण इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए उसकी कुंडली के केतु को बेहतर करने का प्रयास करना पड़ेगा। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं भाग्यफल की भी, तो मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, यात्रा के योग आपके फिलहाल बन रहे हैं। धन का लाभ इस समय आपको हो सकता है, और सबसे बेहतर बात, आपके स्वास्थ्य में भी इस समय सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृषभ राशि, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, संतान को लेकर बेवजह परेशान मत होइए। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, कैसे जाने कि केतु हमारे जीवन में खराब परिणाम दे रहा है? देखिए, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको समझ करके आप ये जान सकते हैं कि केतु आपके जीवन में खराब परिणाम दे रहा है। जैसे अगर केतु आपको खराब परिणाम देगा तो आपका व्यक्तित्व उदास और मलिन हो जाएगा और आपके अंदर ऊर्जा का अभाव दिखेगा, एनर्जी नहीं रहेगी, मन आपका भटकने लगेगा। जब केतु निगेटिव परिणाम देता है तो स्नान करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, लोग कई कई दिन तक नहीं नहाते हैं, रक्त संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं और बुरे सपने दुःस्वप्न आने लगते हैं अगर केतु निगेटिव होता है। केतु अगर निगेटिव हो तो ईश्वर और अध्यात्म से मन विमुख हो जाता है, मन बदल जाता है। केतु अगर निगेटिव हो तो व्यक्ति भोगवादी होने लगता है, देर रात तक जगता है यानी देर से सोता है और देर सुबह तक सोता रहता है। व्यक्ति से गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं और व्यक्ति अपनी गलतियों को बहुत छिपाता भी है। यानी अगर केतु निगेटिव होगा तो आपके अंदर बुरी आदतें पैदा होंगी, आपके अंदर आलस्य पैदा होगा, आपके अंदर मलिनता पैदा होगी और आप ऐसे काम करेंगे जिन कामों को आप छुपाएंगे, जिन कामों को आप ढकेंगे। यानी केतु आपके मन, आपके सोच और आपके स्वभाव को निगेटिव रास्ते पे ले जाना शुरू कर देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली तीन राशियों के भाग्यफल की। तो जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की स्थितियां बन रही हैं, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में इस समय सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, वक्त हो चुका है हमारे पहले सवाल को लेने का, तो बताएं हमें पहला सवाल किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अर्चना जी ने लिखा है। अर्चना जी की जन्म की तारीख है 26 मई 1984। जन्म का समय है रात में 11:05। जन्म स्थान है दिल्ली। अर्चना जी कह रही हैं कि सरकारी नौकरी करती हैं लेकिन ऑफिस में माहौल इनके खिलाफ है, लोग इनके लिए समस्याएं बार बार पैदा करते हैं, तो क्या उपाय करें जिससे शांति से नौकरी कर सकें और नौकरी में दिक्कतें ना हों। अर्चना जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी नौकरी पर कोई ऐसा संकट नहीं आएगा जिसके लिए आप परेशान हैं। आपकी नौकरी बिल्कुल ठीक चलेगी, आप निश्चिंत रहें। ये बात ज़रूर है कि आपके जो सहयोगी हैं, जो आपके कंपेनियन हैं, वो आपका साथ नहीं देते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए अर्चना जी, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, और रोज सुबह सूर्य भगवान के समक्ष आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका नित्य प्रातः अगर आप पाठ करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, बताएं हमें दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें रजत जी ने लिखा है। जयपुर से लिखते हैं रजत जी। 11 दिसंबर 2002 का जन्म है। रात में 9:30। जन्म स्थान है जयपुर। रजत जी पूछ रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और मुझे किस क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। रजत जी, आपको बता दें कि अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाने की कोशिश करें, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएं या शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रयास करें, तो वो आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी, लेकिन अभी उसके मिलने में समय है। साल 2027 के आसपास आपकी नौकरी की संभावना बनती है, तब तक आप तैयारी करिए, मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, केतु से गणेश जी का संबंध क्या है और गणेश जी की कृपा से केतु कैसे ठीक हो सकता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, हर ग्रह के साथ एक देवता जुड़े हुए हैं। जब आप उस ग्रह को बेहतर करना चाहते हैं
तो आपको उन देवता की शरण में जाना होगा। अगर हम केतु और गणेश जी के संबंध को समझें तो वो संबंध क्या है? देखिए, भगवान गणेश जी के जन्म के समय भी वैसी ही घटना हुई थी जैसे राहु और केतु के जन्म के समय हुई थी। भगवान गणेश का भी सर अलग हो गया था और स्वर भानु नाम का राक्षस था जिसका सर भगवान विष्णु ने सुदर्शन से काट दिया था, जिससे राहु और केतु का जन्म हुआ था। गणेश जी की पूजा अगर आप करें तो आप राहु केतु की समस्याएं हल कर सकते हैं, और विशेष तौर से केतु ग्रह के नियंत्रक भगवान गणेश माने जाते हैं। इसीलिए अगर जीवन में केतु से संबंधित कोई समस्या है तो भगवान गणेश की पूजा करने से केतु की समस्या दूर हो जाती है। अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो केतु के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। अगर केतु आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा रहा है, अगर केतु आपके जीवन में दिक्कतें पैदा कर रहा है, केवल नियम पूर्वक अगर आप भगवान गणेश की पूजा कर लें तो केतु की बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं अगली तीन राशियों के भाग्यफल की, तो बताएं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है? तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखिए। कोई कीमती वस्तु खो सकती है, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, कैसे करें गणेश जी की पूजा जिससे केतु की समस्याएं समाप्त हो जाएं? देखिए, अगर आप गणेश जी की पूजा करें, आपकी कुंडली में केतु खराब हो या केतु आपको समस्या दे रहा हो तो वो समस्याएं आपकी समाप्त हो सकती हैं। कैसे? जैसे हर महीने गणेश चतुर्थी आती है, उस चतुर्थी में शाम को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। भगवान गणेश की रोज आरती भी करें और इसके बाद पहले भगवान गणेश के मंत्र का जप करें, ओम गं गणपतये नमः, और फिर केतु के मंत्र का जप करें,
ओम केन केतवे नमः, और इसके बाद केतु के समस्या के शांत होने की प्रार्थना करें। ऐसा आप गणेश महोत्सव में कर सकते हैं या हर महीने की चतुर्थी तिथि पर कर सकते हैं, हर बुधवार को कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो केतु से संबंधित समस्याएं आपकी शांत हो जाएंगी। पंडित जी, ये तो आपने बताया कि केतु ग्रह अगर आपकी कुंडली में प्रभावित है या फिर किसी गलत स्थान पर है तो गणेश जी की स्तुति से उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन पूजा नियमित रूप से कैसे करें और किस तरीके से पूजा करें उसके बारे में बताएं। अगर आपकी कुंडली में केतु मध्यम है या केतु को आप चाहते हैं कि हमेशा वो आपको शुभ फल दे, शांत रहे, तो क्या उपाय करेंगे? घर के पूजा स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति रखिएगा। अपने घर के पूजा स्थान पर एक पीले रंग के भगवान गणेश की मूर्ति या उनका चित्र रखिए। रोज सवेरे उनके सामने घी का एक दीपक जलाइए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, दूब घास, और इसके बाद गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए या ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। ऐसा आप रोज नियमित रूप से करिए, नहीं तो सप्ताह में एक दिन बुधवार के दिन जरूर करिए। जहां तक संभव हो अपने आचरण में और अपने व्यवहार में शुद्धता रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली का गड़बड़ केतु शांत होगा और सामान्यतः केतु संबंधी समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। और चलिए, अब वक्त हो चुका है आखिरी तीन राशियों के भाग्यफल को जानने का। मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। मकर राशि, इस समय आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, आपके काम की तमाम रुकावटें दूर होंगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, परीक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सवाल को लेने का, तो हमें बताएं तीसरा सवाल किसने भेजा है। जी,
आज का तीसरा प्रश्न हमें अभिजीत जी ने लिखा है और अभिजीत जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अगस्त 1981। जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। अभिजीत जी लिख रहे हैं कि मेरा विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, क्या मेरे विवाह होने की संभावना बनती है और अगर बनती है तो मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अभिजीत जी, आपकी कुंडली में विवाह होने की संभावना ज़रूर बनती है। साल 2024 में आपका विवाह होगा, संभवतः जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में। दूसरे नंबर पे आप ये भी जान लें कि आपका विवाह किसी डिवोर्सी महिला से या जिसकी पहले शादी हो चुकी हो किसी ऐसी महिला से होने की संभावना बनती है। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला कर ठीक रहेगा, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें नहीं हैं। एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः, अगर इस मंत्र का जप किया जाए तो बहुत लाभ होने की संभावना बन जाएगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं, आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें कैलाश जी ने लिखा है और कैलाश जी हमें बस्ती उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। कैलाश जी की जन्म की तारीख है 23 जून 1960। जन्म का समय है सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है बस्ती। कैलाश जी लिख रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य इस समय बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए मैं कौन सा उपाय कर सकता हूँ। कैलाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ज़्यादातर समस्याएं हड्डियों से संबंधित या न्यूरो से संबंधित हैं, तो अगर आप अपनी हड्डियों का ध्यान रखें, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में लापरवाही ना करें तो उसमें आपको बेहतर सफलता मिल सकती है। क्या उपाय किया जाएगा? सबसे पहले एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 8-9 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य बनवा के धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 19 नवंबर को आता है। उनका ये साल कैसा रहेगा, पंडित जी से जानते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 19 नवंबर को। जिन लोगों का जन्मदिन 19 नवंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में थोड़ी समस्याओं के बाद बदलाव होगा, विवाह और संतान के मामले में थोड़ा विलंब होगा। इस साल विदेश जाने के भी प्रबल योग आपके बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य मंत्र का अगर आप जप करें
ओम आदित्याय नमः। अगर इस मंत्र का पूरे साल भर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा है कि क्या विवाह रात में ही करना उचित होता है? देखिए, सामान्यतः रात में विवाह करना उचित नहीं होता। तारीख बदल जाती है, मुहूर्त बदल जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि 26 तारीख को शादी करना, शादी करते हैं 12 बजे के बाद, तारीख बदल जाती है। विवाह दिन में या उषा काल में, अर्ली मॉर्निंग, गोधूली वेला में या दिन के समय में सही मुहूर्त में विवाह करना उचित होता है। जब भी विवाह करें तारीखों का ध्यान रखें और उचित मुहूर्त में विवाह करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं 19 नवंबर के शुभ पहर की। चलिए अब बात कर लेते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, दिनांक 19 नवंबर, दिन रविवार, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब हम अंत में जानेंगे आज की गुडलक राशि। पंडित जी हमें बताएंगे कि आज की गुडलक राशि क्या है। हम आपको आजकल बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने कठिन समय में, अपने मुश्किल समय में कौन सा उपाय करेंगे। आज की जो गुडलक राशि है वो है कर्क राशि। इनको कष्ट के समय में हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार अगर ये हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें तो इनका बड़े से बड़ा कष्ट टल जाएगा, बड़े से बड़ा कष्ट समाप्त होगा। और अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। पंडित जी बताएं आज के लिए महा उपाय क्या है। जी, अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हो गया हो तो इसका प्रभाव क्या है और क्या उपाय करना चाहिए। जब किसी बच्चे का जन्म गंडांत में या मूल नक्षत्र में होता है तो ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में समस्या हो सकती है। इसलिए जन्म के 27 दिन के बाद उसी नक्षत्र के आने पर शांति करवा लेनी चाहिए या जल्द से जल्द इसकी शांति करवा लें। जन्म से लेके 8 वर्ष के अंदर इसकी शांति करवा लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।